सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंशिका शर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाले हेयर स्टाइल को बनाने की इजी ट्रिक। आप सबके काफी टाइम से मेरे पास मैसेजेस और कमेंट आ रहे थे कि ये जो ट्विस्टिंग हेयर स्टाइल है इसे बनाना सिखाइए, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, और अपनी सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लेना है, टैंगल फ्री कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर जी कॉम लिया है सुलझाने के लिए। आपके पास जो भी कॉम अवेलेबल हो आप उससे अपने बालों को सुलझा लीजिए। बालों को इस तरह से सुलझाना है कि अगर हम अपने इसमें हाथ भी डालें तो आराम से निकल जाए, बिल्कुल भी उलझे हुए नहीं होने चाहिए बाल। और मैं ऐसे ही सुलझाती हूँ हमेशा बाल। और अगर आपको भी अपने बालों को सुलझाने में प्रॉब्लम आती है तो आप उसे टू पार्टिंग में डिवाइड करके कुछ इस तरीके से सुलझा सकते हैं। अब यहाँ पर पूरे बाल अच्छी तरह से सुलझ गए हैं। अब ले लिया है कुछ इस टाइप का कॉम जिसके जो ब्रिस्टल हैं वो थोड़े चिपके हुए हैं। इसके बाद हम बिल्कुल सीधी एक मांग निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद हम एक पार्टीशन निकाल लेंगे ईयर टू ईयर का, देखिए इस तरीके से। और पीछे के बालों को हमें सिक्योर कर लेना है ताकि वो बार बार हमें आगे आके परेशान ना करे, हेयर स्टाइल को ख़राब ना करे। इस तरीके से कॉम करके हमें अच्छी तरह से पीछे के बालों को भी सिक्योर कर लेना है। यहाँ पर मैं क्लेचर से सिक्योर कर रही हूँ। और आप भी ध्यान रखें, आप भी इस तरीके से जुड़ा ही बना लें, क्योंकि अगर आप खुले रखेंगे तो बार बार आगे आएंगे वो वाले बाल। तो पीछे के बाल सिक्योर हो गए हैं। आगे के सेक्शन में देखिए इस तरीके से अब हमें एक ट्रायंगल शेप ले लेनी है, देख सकते हैं आप। और बिल्कुल क्लियर शेप लेनी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब इसे एक बार कॉम करेंगे। और इसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो है एक रबर बैंड। और रबर बैंड मैं आप लोगों को बता दूं, आप अगर हो सके पॉसिबल तो आप ब्लैक कलर की ही लें, अदरवाइज आपको जो कलर पसंद हो, क्योंकि ब्लैक कलर जो है हेयर में मर्ज हो जाता है, फिर दिखता नहीं है। तो रबर बैंड से इसको सिक्योर करने के बाद देखिए मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताती हूँ। इसको बीच में से इस तरीके से बिल्कुल इक्वली डिवाइड करके बीच में से हल्का सा ढीला कर लेना है, एंड पीछे से अपनी एक उंगली लेकर आनी है आगे, और इस तरीके से इसे फिर से पीछे ले जाना है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों में से किस किस को ये वाला हेयर स्टाइल नहीं आता था और आपने पहली बार देखा है। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को ये वाला हेयर स्टाइल आता ही होगा, क्योंकि ये हेयर स्टाइल काफ़ी टाइम से चल रहा है और बहुत ईजी भी हो जाता है, बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बनने के बाद काफ़ी क्यूट लगता है। ये सारे बाल हमारे बंधे रहते हैं। और एक मैं आपको एडवाइस और देना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं आगे फ्लिक्स निकालना तो आप जब पार्टीशन लेते हैं तभी पहले फ्लिक्स निकाल लें, क्योंकि ये हेयर स्टाइल बनने के बाद फ्लिक्स नहीं निकल पाएगी। अगर आपके बाल आगे से हल्के से कटे हुए हैं तो आपकी फ्लिक्स निकल सकती है, अदरवाइज आपकी आगे से जो भी आप फ्लिक्स निकालना चाहते हैं वो नहीं निकल पाएगी। इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमने ट्रायंगल शेप निकाल के सेक्शन लेके और रबर बैंड लगाने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं, जितना विजिबल हो पाया मैंने आप लोगों के लिए धीरे धीरे करके ये दिखाया है। और आई होप आप सबको अच्छी तरह से इसमें समझ आ रहा होगा, और अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके लिए एक और वीडियो इसकी बना दूंगी। तो अब फिर से एक ट्रायंगल शेप लेनी है, ऐसा नहीं है हमें सीधी लेनी है। ट्रायंगल लिए है तो ट्रायंगल में ही चलना है, और अगर हमने स्क्वायर शेप का सेक्शन लिया है तो स्क्वायर शेप में ही चलना है। मैंने यहाँ पर ट्रायंगल लिया है, इसे भी रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे, और जैसा हमने मेथड आगे तीन इनमें करा है ऐसा ही करेंगे। आप चाहें तो इसको और लंबा भी खींच सकते हैं, मतलब पीछे तक ले जा सकते हैं इसी ट्रायंगल को ज़्यादा बालों का सेक्शन लेने के बाद, बट जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा सुंदर लगता है, प्रीटी लगता है। देखिए कई बार आपसे ऐसे भी हो जाएगा तो आप उसे फिर से खोल के बनाइए। बीच की इस तरीके से इसमें टू पार्टीशन करके अपनी पीछे से एक जो फिंगर है उसको लेना है और आगे से इस बाल को पकड़ के पीछे ले जाना है। और अगर आप बना रहे हैं हेयर स्टाइल तो आप इसे पॉज कर करके रोक रोक की वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ट्रेंडी हेयर स्टाइल लेकर आती रहती हूँ जो कि ट्रेंड में चल रहे होते हैं। तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं हेयर स्टाइल कैसा लगा और आपको नेक्स्ट हेयर स्टाइल किस पे चाहिए। अब सारे हेयर में हम इसी तरीके से ये वाली जो चोटी मैं इसको बोलूँगी ऐसे बना लेनी है।
मैं पूरे ईयर टू ईयर नहीं बनाऊंगी, थोड़ा आगे तक ये वाला जो पार्ट है मेरा लास्ट ही रहेगा ये। इसके बाद अगर आप बनाना चाहें तो बचे हुए जो बाल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं आप उसमें भी बना सकते हैं, तो ये पूरा ईयर टू ईयर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट मोशन पे मैंने कर दिया है आप लोगों को ताकि जल्दी जल्दी से और इजीली समझ में आ जाए। कॉम करना ज़रूरी है क्योंकि टेढ़े मेढ़े बाल अगर आ गए तो फिर वो गंदा बनेगा हेयर स्टाइल। इसके लिए आप साथ साथ में कॉम करते हुए चलिए। रबर बैंड को ज़्यादा टाइटली बंद नहीं करना है क्योंकि फिर हमें उसे खोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने तो यहीं तक बनाया है, आप चाहें तो ईयर तक पूरा बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो हेयर स्टाइल का बेस है वो रेडी हो चुका है, और इसी टाइप से आप लोग भी बनाइए अगर आप ये वाला हेयर स्टाइल बनाना पसंद करते हैं तो। और आगे आप आके इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप बचे हुए बालों में प्रेसिंग करा सकते हैं, कर्लिंग करा सकते हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर पोनी बनाई है आप भी इस तरीके से पोनी बना सकते हैं। काफ़ी क्यूट और प्रिटी ये हेयर स्टाइल लगता है। और अगर आपके पास कोई एसेसरी हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये क्लिप को यूज़ किया है। चोटी के अलावा आप यहाँ पर जूड़ा भी बना सकते हैं, जूड़े में भी आप लोग काफ़ी प्रिटी लगने वाले हैं। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी ये बना पाएँ, और कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट हेयर स्टाइल किस पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।